चैनल रिट्स कुकिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वेज चीज पनीर फ्रेंकी बनाना बता रही हूँ। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। ये बनाने के लिए हम सबसे पहले फ्रेंकी का मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए हमको चाहिए 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और हमने लिया है 2 चम्मच मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर और 3 चम्मच हमने लिया है अमचूर पाउडर। ये हमारे घर का अमचूर सूखा हुआ है, आप चाहे तो बाहर का यूज़ कर सकते हैं। सबको एक बाउल में मिक्स कर देंगे, सारे मसालों को, धनिया, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और अमचूर पाउडर, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको हम एयर टाइट कंटेनर में डालकर बंद करके रख देंगे। फिर जब भी हमको इसकी ज़रूरत होगी तो हम इसको यूज़ करेंगे। को हम एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे और फिर जब भी हमको इसकी ज़रूरत होगी और हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा फ्रेंकी के लिए हमको आटा गूंदना है। इसके लिए मैंने 400 ग्राम मैदा लिया है, 2 चम्मच ऑयल लिया है और 1 चम्मच नमक लिया है और थोड़ा पानी जितना आपको इसके गूंदने की ज़रूरत लगेगा। नमक मिक्स कर दिया, ऑयल मिक्स कर दिया है, हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए भूनेंगे। पानी हमको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जितनी हमको इसकी ज़रूरत होगी पानी की उतना डालना है। इसका आटा हमको रोटी की तरह ही लगाना है, एकदम सॉफ्ट सा, टाइट नहीं गूंदना है, मीडियम, जैसे हम फुलके बनाने के लिए गूंदते वैसे ही इसका आटा गूंदना है। देखिए अब इसका आटा गूंद चुका है, इसको हमने रोटी के आटे की तरह ही गूंदा है। अब इसको हम 1/2 घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम फ्रेंकी बनाएंगे। अब जो हमको फ्रेंकी के लिए अंदर के लिए जो स्टफिंग बनानी है उसके लिए हमको चाहिए 250 ग्राम कैबेज, 2 हमने बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उनको बॉईल करके और मैश कर लिया है, 250 ग्राम हमने गाजर लिए, इसको भी लंबा और पतला काट लिया है, 250 ग्राम हमने कैप्सिकम लिया, इसको भी पतला लंबा काट लिया है, 100 ग्राम हमने मटर के दाने लिए हैं, 250 ग्राम हमने स्प्रिंग अनियन लिया है और उसको काट लिया है, 5 हमने हरी मिर्च ली है, उसको भी बारीक बारीक काट लिया है और हमने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको हमने ग्रेट कर लिया है, 200 ग्राम पनीर लिया है, चीज़, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चाट मसाला, ग्रीन चिल्ली सॉस ली है। इसके अंदर जो फ्रेंकी के अंदर जो हमको फिलिंग भरनी है उसके लिए हमको सबसे पहले तेल चाहिए 1 बड़ा चम्मच। तेल को गरम होने दीजिए, हो चुका है, इसमें हरी मिर्च डालेंगे हम, थोड़ा सा होने देंगे। अब ये जो हमने अदरक करके ग्रेट करके रखा था अदरक डाल देंगे और इसको 2 मिनट तक चलाएंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं, इसमें हम प्याज डालेंगे, प्याज का ऊपर जो स्प्रिंग अनियन डाला है उसके जो हरा वाला पोर्शन है वो छोड़ देंगे और इसको हम डाल देंगे। और इसको हम थोड़ा सा हल्का सा पिंक करेंगे। अब ये प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए, अब इसमें हम मटर डाल देंगे, मटर के दाने, मटर के दाने आप अलग से बॉईल करके भी डाल सकते हैं
और आप चाहे तो पहले डाल देंगे तो भी गल जाएंगे उसमें। जब तक हमारे मटर गलते हैं, हम दूसरी साइड पनीर को वो हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो हमने इसमें एक चम्मच बटर ले लिया है, बटर को गर्म होने देंगे थोड़ा सा, और अब हम इसमें जो हमने ये मसाला बना के रखा था फ्रेंकी मसाला, वो हम थोड़ा एक चम्मच इसमें डाल देंगे। और इसको 2 मिनट ऐसे कर लेंगे, जलने नहीं देना है, और तुरंत ही हम इसमें फिर पनीर के पीसेस डाल देंगे। आज से 7 मिनट हम इस पनीर के पीसेस को सिकने देंगे। मटर हमारे गल चुके हैं, अब हम इसमें बारीक कटी हुई जो हमारी ये है गाजर, वो डाल देंगे। साथ में शिमला मिर्च डाल देंगे और जो कैबेज है वो भी डाल देंगे। सब्जियों को फ्राई होने देंगे। इनको हमको पूरा गलाना नहीं है, हल्का सा क्रंची रखना है ताकि ये खाने में टेस्टी लगे। स्प्रिंग अनियन का ये ऊपर का ग्रीन वाला पार्ट था, इसको भी हम साथ में डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 5 से 7 मिनट हो चुके और हमारा पनीर अब हो गया है रेडी। इसको हम बंद कर देंगे गैस को। आलू हमने मैश करके रखे थे, ये आलू भी इसमें हम डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें जो मसाले डालेंगे, हम नमक डाल रहे हैं, काली मिर्च पाउडर और जो हमने चाट मसाला लिया है वो भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं ताकि इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। और 1 चम्मच हम इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल रहे हैं। अगर आपके पास रेड चिली सॉस है तो आप वो भी डाल सकते हैं, फिर आपको लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बढ़िया सा कलर आ जाएगा। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमको 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से ढक के रखना है ताकि सारे मसालों का फ्लेवर इसमें अच्छा सा आ जाए। अब इसको हम ढक देंगे। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसका सारा फ्लेवर सारी खुशबू इसके अंदर आ गई है मसाले के अंदर। अब हम फ्रेंकी को अरेंज करते हैं। अब हमारा आटा लग गया है, पूरा अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम फ्रेंकी बनाएंगे। हम इसको तवे पे डाल देंगे। आप चाहे तो ये रोटी बनाकर भी रख सकते हैं थोड़ी सी, और फिर बाद में स्टफिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी कच्ची कच्ची बना के रख दीजिए। अब हम इसको एक साइड से सेक लेंगे और इसको दोनों साइड से सेक लेंगे। ये देखिए हमारा इधर सिक चुका है। अब हम इस पे पहले फ्रेंकी मसाला डालेंगे तो उसके बाद जो हमने स्टफिंग रखी है वो डालेंगे, बनाई थी हमने। अब इसके पनीर के पीसेस डालेंगे। चीज डाल देंगे फिर इसको हम पलट देंगे। हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। बनकर तैयार हो गई है वेज चीज पनीर फ्रेंकी। आप इसे खाइए फिर मुझे बताइएगा कि कैसी लगी है।
अगर आपको इसी तरह और नई नई रेसिपी सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।